रेड सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं बेल आइकन। फरीदाबाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला ने नेशनल हाईवे नंबर 19 स्थित एक वाटिका में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और 2019 के चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। अभय सिंह चौटाला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में जहां एक तरफ बीजेपी सरकार अपने 4 साल पूरे होने पर वाहवाही लूटने का काम कर रही है, वहीं प्रदेश की जनता ने इनको सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है। चौटाला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 4 साल के कार्यकाल में हरियाणा के लोगों के साथ धोखाधड़ी, लूटमार और बढ़ती बेरोजगारी का विकास हुआ है। सरकार के चंद नेता टीवी चैनलों पर बैठकर अपनी सरकार का गुणगान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की हवाई यात्रा पर हो रहे खर्चे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि रोजाना 2.5 लाख से लेकर 3 लाख तक का खर्चा मुख्यमंत्री की हवाई यात्रा पर किया जा रहा है। महीने में 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ तक आम जनता का पैसा मुख्यमंत्री उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह से पैसा खर्च करके मुख्यमंत्री प्रदेश के खजाने को लूट रहे हैं। फरीदाबाद और पलवल में लगातार हो रहे मुख्यमंत्री के दौरों के सवाल पर जवाब देते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने लिए विधानसभा क्षेत्र ढूंढता फिर रहा है, लेकिन हरियाणा की कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जहां से वह जीत हासिल कर सके। आरटीआई से जो जानकारी सरकार ने दी है, क्या फिर रोजाना 2.5 से 3 लाख रुपया खर्च होता है मुख्यमंत्री की हवाई यात्रा के ऊपर और 1.5 करोड़ से ज्यादा खर्च करके प्रदेश के खजाने को लुटवाने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री के लगातार दौरे फरीदाबाद और पलवल की तरफ हैं और ये आपका गढ़ है इनेलो का, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके गढ़ में सेंध लगाने के चक्कर में दौरे बढ़ाए जा रहे हैं? मुख्यमंत्री तो अपना विधानसभा क्षेत्र ढूंढता फिरा है,